और कोरोना की वबा से बचने के लिए घरों में रहना अच्छा फैसला है। मोहलिक वायरस के मामले और इसके बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम ने अवाम से घरों में रहने और घर में नमाजें अदा करने की तलकीन कर दी है। उलमाए कराम ने यह ऐलान गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात के बाद किया। गवर्नर पंजाब से तमाम मकतबा फिक्र के 20 से ज़ायद उलमाए कराम ने मुलाकात की थी। इजलास के बाद गवर्नर पंजाब और उलमाए कराम ने यक जुबान होकर अवाम को घरों में रहने की तलकीन की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि अवाम घरों में रहें, खुद भी नमाजें पढ़ें और बच्चों को भी नमाज पढ़ाएं। मौलाना ताहिर अशरफी, प्रोफेसर साजिद मीर, मुफ्ती आशिक हुसैन, डॉक्टर रागिब नईमी, मौलाना हाफिज अब्दुल रहीम और दीगर उलमाए कराम ने अवाम से इल्तमास किया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवाम को घरों में रहना चाहिए। उलमाए कराम ने कहा कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अवाम घरों में रहने की तलकीन पर अमल करें और घरों में रहकर नमाज पढ़ें। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए घरों में रहना अच्छा फैसला है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उलमा का किरदार खुशाइंद है। हमने हर पाकिस्तानी को अपनी फैमिली का हिस्सा समझकर कोरोना से बचाना है।